अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल कटिंग एंड स्टिचिंग मास्टर। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ़ौरन रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। इससे आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें, लाइक करें, कमेंट्स करें और प्लीज़ शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच। आज मैं आप लोगों को पैनल्स वाली फ्रॉक कटिंग दिखाऊंगी, कटिंग एंड स्टिचिंग। इसके सिलाई में मैं बहुत से टिप्स भी बताऊंगी। ये देखिए मेरे फैब्रिक, ये मेरा बॉडी का कपड़ा है, ठीक है। ये फ्रंट और बैक इसी में है, ये मेरा बॉडी का कपड़ा है, ये मेरा स्लीव्स के कपड़े हैं, ये मेरा घेर के है, ये लाइनिंग है, ये बेल है। तो आप इसको सब मिलाकर मैं जो फ्रॉक बनाऊंगी, बिल्कुल शादियों में पहनने वाली बहुत अच्छी फ्रॉक बन जाएगी और बहुत कम रेट में बन जाएगी। आप रेडीमेड से बहुत बेहतर और बहुत सस्ता बन जाएगी। तो ये देखें, इसमें मैं सबसे पहले तो आप लोगों को मैं समझाती हूँ मुझे क्या क्या करना है। ये मेरा बॉडी का कपड़ा है, इसमें एक प्रॉब्लम है, वो ये है जो जिस साइज की ये कटेगी उसकी शोल्डर 12 इंच है और ये देखे इसके कढ़ाई ही 12 से ज़्यादा 13 इंच है, 13-14 इंच के इसके कढ़ाई आ गया। तो ये शोल्डर में कटिंग में चला जाएगा, लेकिन ये हमने कटिंग में नहीं जाने देना। इसको हमने कैसे मैनेज करना है वो मैं आपको सिलाई के दरमियान दिखाऊंगी। आप पूरा वीडियो देखते रहिएगा तो आपको मैं वो पूरी तरीके से दिखाऊंगी। आप सबसे पहले मैं आपको कटिंग करना दिखाऊंगी, घेर जो पैनल्स वाली घेर कैसे काटनी है, ठीक है। तो आए हम सबसे पहले घेर काटते हैं। इस फ्रॉक के, फ्रॉक नहीं बोलेंगे, ये तो मैक्सी है, मैं समझ ले पांव तक आएगा। तो इस मैक्सी की लेंथ है 15 इंच, ठीक है। इस मैक्सी की लेंथ है 15 इंच और इसकी बॉडी है अब 15 इंच, ठीक है। तो मैं 15 इंच की बॉडी ऊपर छोड़ूंगी एक साइड में, जब भी मैं साइज लेती हूँ वो जितना वार कपड़ा इसमें ऐड करना है वही इंची टेप में मैं छोड़ देती हूँ। ये देखे ये 15 इंच में मैंने ऊपर से छोड़ दिया क्योंकि यहाँ से मैं बॉडी अटैच करूंगी और उसके बाद मैंने लेंथ लिया 15 इंच। इसकी तैयार होगा 49 या 48.5, इस तरह तैयार होगा। तो ये 15 इंच में इसके लेंथ लिया मैंने। लेंथ लेने के बाद मैंने डबल कर लिया ये कपड़ा। अब मुझे ये इस कपड़े में हिसाब रखना है जो कितना घेर लेनी है। तो घेर के हिसाब से जब भी आप ये कपड़े खरीदे तो जब भी आपको घेर वाली फ्रॉक बनाना है तो जितना उसकी लेंथ है उस लेंथ के ट्रिपल कपड़ा हो, बैक फ्रंट की लेंथ समझ ले और उतने ही लेंथ के एक्स्ट्रा कपड़ा हो और फिर स्लीव्स के कपड़ा हो, तब जाकर आपकी इस तरह की लेंथ वाली फ्रॉकें बहुत घेर और लेंथ के साथ बनती है। तो यहाँ पर देखें मैंने यहाँ 4 पल्ला लिया, 1, 2, 3, 4 चार पल्ला घेर के लिए लिया। उसके बाद देखें इतना कपड़ा मेरा बच रहा है, यूं समझ ले ये स्लीव्स का कपड़ा, लेकिन यहाँ पर स्लीव्स नहीं बनानी है, स्लीव्स तो मैंने अलग से दूसरे कपड़े के लिए हुए हैं। तो मैं ये काट कर ये आसानी से फट जाती है तो मैं ये फाड़ के पहले अलग कर लेती हूँ। ये देखिए कपड़े को मैंने अलग कर फिर डबल कर लिया। तो ये इस फ्रॉक में मैंने 8 कली आगे और 8 कली पीछे बनानी है, ठीक है। तो ये 16 कलियों वाला फ्रॉक बनेगी। और इस में एक टिप्स ये है, जब भी आप शिफॉन के कपड़े के कोई भी चीज बनाएं, फ्रॉक कमीज कुछ भी बनाएं, उसको थोड़ा सा पानी मार के प्रेस जरूर कर लें, क्योंकि ये कली वाली फ्रॉक है ना, ये जब आप कली बैठाने के लिए, पैनल्स बैठाने के लिए जब आप इस्त्री करेंगे तो ये स्लिंग हो जाएगा। बाज कपड़ा बहुत ज्यादा स्लिंग होता है, बाज कपड़ा कम होता है। तो एहतियात के तौर पर आप ये टिप जरूर अपनाएं क्योंकि बाद में मुश्किल में नहीं पड़ेंगी।
अब इसमें मेरा चार कली, आठ कली है, तो ये चार पल्ला है, चार पल्ले को मैंने डबल किया तो ये हो गया मेरे पास आठ। ठीक है, इसमें से मैं सिर्फ दो अलग कर लूंगी। ठीक है, ये देखे यहाँ पर चार पीस है, हर एक पीस पे डबल कर दिया तो दो पल्ला हो गया, ये चार पीस है। ठीक है, तो इसमें से मैं एक पीस हटा दूंगी, मतलब दो पल्ला हटा दूंगी और ये कटिंग करूंगी। ये मैं साइडों की कली बनाने के लिए वो बाद में कटूंगी। अब मेरा हिसाब ये है कि इनके कमर कितना है। सबसे पहले आप हिसाब रखें जिसके कमर कितना है। इसके कमर है 16 इंच, 16 इंच मतलब हर एक आठ कली में मेरा 2 इंच आएगा। ठीक है, तो 2 इंच और मैंने सिलाई के लिए लेना है और आधा इंच पौना इंच बढ़ाकर। देखिए इस पैनल वाली फ्रॉक में हमेशा ये होता है, जब आप सिलाई के दबाव में कितना कपड़े लेते हैं वो बहुत इफेक्ट करता है। अगर थोड़ा ज्यादा लेते हैं तो फिर ज्यादा खुला रखेंगे, अगर थोड़ा थोड़ा लेना है तो उस हिसाब से रखेंगे। तो ये मैं 2.5 इंच के एक निशान लगाऊंगी। इसकी कमर 2 इंच में दोनों साइड से सिलाई होने के बाद 2 इंच बच जाएगा। ठीक है, और इस तरफ से भी मैं वही 2 इंच 0.5 इंच लूंगी, 2.5 इंच लूंगी, ताकि ये यहां से एक कमर बनेगा, यहां से एक बनेगा। ठीक है, उसके बाद मेरे पास बचा ये देखे ये 17 इंच। तो इस तरह से तकरीबन इस फ्रॉक के घेर बनेगी 5 गज। ठीक है, तो 5 गज के घेर बनेगी। तो मैं जब भी आप काटे तो ये कमर से लेकर थोड़ा हिप तक स्लो घेर दे, मतलब एकदम से बिल्कुल ऐसे तिरछा ना रखे। ये कमर है, कमर के बाद ये हूं समझ ले हिप है इस तरह से। फिर उसके बाद जाके आप उस साइड से इस तरह से रखकर निशान लगाए। ये देखें जो मैं इसके कमर 15 इंच और उसके बाद हिप, तो 21-22 में हिप पड़ता है। ठीक है, तो ये 15 इंच के मैंने ऊपर से कमर छोड़ा, ये 21-22 के बाद बिल्कुल फैलाया। तो उसके उससे पहले थोड़ा सा मैंने स्ट्रेट लाने की कोशिश की, बिल्कुल स्ट्रेट ना लाए जो बिल्कुल हिप से तंग आ जाए, लेकिन ये है जो थोड़ी सी खुला करे, यहाँ से बिल्कुल यहाँ से नहीं करे। यहाँ से करने से वो कमर के ऊपर एक प्लेट से आ जाता है, उसमें लुकिंग अच्छी नहीं आती, देखने में खूबसूरत नहीं लगती। उसके बाद क्या करना है मुझे, यहां से रखकर जो मेरा लेंथ है, लेंथ से लेकर इस तरह से ए लाइन फ्रॉक की तरह ये गोलाई देना है, ताकि आपके गोल शेप अभी आ जाए। ये यहां से मेरा लेंथ है 36, तो मैंने यहां से भी 36 करनी है और इस तरह से राउंड देनी है, यहां से भी इस तरह से राउंड। ये देखे मैंने गोलाई का निशान भी लगा दिया। आप ये आप समझ सकती हैं, ये मेरा बैक का, एक बैक का पीस है, एक फ्रंट का पीस है, आठ कली आगे आठ कली पीछे, तो ये देखे मेरा 6-6 कलियां इसी में से निकल रही है। इसी तरह बिल्कुल इसी निशान के ऊपर से आप काटे जो मैंने निशान लगाई हुई, इसी गोलाई के हिसाब से कटिंग करें। ये देखे ये पीसेस सारे हटा लिया मैंने। अब इसमें जब हम जोड़ेंगे ना, तो ये एक सीधा वाला पल्ला और एक आड़ा वाला पल्ला जॉइंट के टाइम, ये देखिए ये सारे पीसेस आप अलग कर लीजिएगा और उसके बाद इस तरह से ये जोड़ेगा जी। ये एक सीधा पल्ला, एक आड़ा पल्ला, तो आप आड़े पल्ले में एक इस तरह से टुक लगा दीजिएगा, ताकि आपको जब पैनल्स आप जोड़ेंगे तो आपको पता लगे जे ये साइड मेरा आड़ा है, जो जिसमें टुक लगी हुई है वो आड़ा साइड है और जो नहीं टुक लगी हुई है वो सीधा साइड है। तो इस टुक को देखकर आपको पता लग जाएगा जो मुझे इसके साथ ये जोड़ना है। ठीक है, ये हो गया बीच का पैनल्स। अब जब साइड का पैनल्स काटेंगे वो कैसे काटेंगे, ये देखिए मैं एक पीस अलग किया था इसलिए जो दोनों साइड के पीस बनाना है इसमें से मुझे, वो इसलिए जो इसमें उसमें जो हमने कमर का हिसाब से जो रखे थे 2.5-3 इंच, इसमें आप 1-1.5 इंच बढ़ा ले, वो इसलिए जो जब आपके पैनल्स की सिलाई हो जाए तो आपके पास ऑप्शन रहे, जब कभी अगर कमर की फिटिंग ज्यादा हो गया या कम हो गया तो उसमें आप इस जगह से आप इसको कवर कर सके। तो ये देखे मैंने इसलिए आखिरी पीस एक पीस छोड़ देती हूँ जो दोनों साइडों में जोड़ते हैं,
बीच में वो सारी कलियां आ जाएगी और ये आ जाएगा साइडों में, सेम प्रोसेस काटनी है उसी तरह है। आप सिर्फ कमर का इंची से 1-1.5 इंच बढ़ा दिया करें। ये हमने 4.5 लिया, वो 2.5 था, ये 4.5 की कमर लिया और उसी के उसके बाद इसी तरह बिल्कुल मैं इस तरह से इसको शेप दूंगी और राउंड भी दूंगी और बिल्कुल जैसे बीच का पल्ले हमने काटा उसी तरह काटूंगी। सिर्फ मैं कमर के चीजें बढ़ाया इसलिए जो मेरे सिलाई के बाद प्रेस के बाद मेरे पास ऑप्शन रहे इसको छोटा या बड़ा करने का। छोटा करने से तो प्रॉब्लम नहीं है, बड़ा करने के लिए स्पेस चाहिए, तो इसी वजह से मैंने ये 1-1.5 इंच के स्पेस रखकर ये आखिर के 2 कलियां काटती हूं। ये कली जोड़ने के बाद भी आपको दोबारा दिखा दूंगी। ये देखें, अब ये जाएगा ये साइडों की कली ए और ए, ठीक है, और बीच में सारे छोटी छोटी कलियां आ जाएगी। ये देखे, ये कली मेरे उसके बनिस्बत ये छोटा है, ये फिर बीच में आ जाएगा, ठीक है। ये कलियां हो गई। ये देखे, अब मैं घेर का लाइनिंग काट रही हूँ। लाइनिंग काटते हुए मेरा कमर है 16 इंच, तो मैं सिलाई के लिए बढ़ाकर 16 इंच कमर मतलब 8 इंच है, तो ये मैं 9.5 इंच लूंगी, 1.5 इंच बढ़ाकर, ठीक है। ये कमर का निशान लगाया और ये जो कपड़ा है ना, ये बचा हुआ कपड़ा मैं घेर में जाकर लगाऊंगी। तो ये कितना इंच है देखे, ये तकरीबन 6 इंच कपड़ा है, तो यूं आप 6 इंच कपड़ा इस तरह से रखें इंची टेप से। ये देखे, 6 इंच को आप इस तरह इंची टेप रखें क्योंकि ये वाला कपड़ा आप इस पे जोड़ेंगे। तो ये रखने के बाद एक निशान लगाए और वहीं से इंची टेप को इस तरह से पकड़े और एक कमर के साथ मिलाए, तो आपके कटिंग में कोई खराबी। ये कपड़ा काट के मैं वहां रखती हूँ और उसके बाद गुलाई देती हूँ। ये देखिए, इस तरह से रखे, रखने के बाद उसी तरह राउंड देना है इसको। ये इस तरह से लेकर ऐसे घुमाए इंची टेप को और साथ ही यहाँ पर चौक रखे और निशान देते जाए ताकि निशान दिख रहे। ये हो गया मेरा घेर, ये लाइनिंग है घेर का, ठीक है। घेर मेरा लाइनिंग का घेर बहुत कम है और फ्रॉक मेरा बहुत ज्यादा घेर वाली है। ये देखें, मैं आप बॉडी काट रही हूँ। ये है इनके बॉडी, बॉडी का लेंथ है, ये शोल्डर से मैं ले रही हूँ, शोल्डर से 1/2 इंच इधर सिलाई होगा, यहाँ से 16 रखा मैंने और ये देखें ये 16 और यहाँ से भी मैं निशान लगाऊ 16। ये शोल्डर इसके 6 इंच का है, 6 इंच का शोल्डर है, ये बन रहा है 7 इंच, पूरा 1 इंच ज्यादा। 1 इंच कपड़े में शोल्डर से कम करूंगी, अभी तो मैं ये पहले कटिंग करती हूँ। इसके शोल्डर है 12 इंच के, 6 इंच होगा, तो ये जो 1 इंच 7 इंच मैंने शोल्डर लिया, ये 1 इंच में जब गला में पाइपिंग लगाऊंगी तब मैं यहाँ से काट के कम करके पाइपिंग लगाऊंगी। दोनों साइड से पाइपिंग लगा के यहाँ से वी शेप दूंगी ताकि ये शोल्डर के कपड़े इसके छोटा हो जाए, जैसे कि ए इस तरह से गला बनेगा। बनाने के बाद भी मैं दिखा दूंगी। तो ये 6 का शोल्डर तो 7 का बगल होता है 1 इंच, और ये देखे इसी हिसाब के इसके चेस्ट होना चाहिए, यहाँ से ये कट जाएगा, तो ये 8.5 के ये चेस्ट है और 8 इंच का इसका कमर है, मतलब 16 का कमर और 17 का चेस्ट। तो ये फ्रंट के पीस में आप ही काट लेती हूँ और जब मैं गला बनाऊंगी तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगी ताकि आपको समझने में बिल्कुल आसान हो जाए। ये इस तरह के गला अगर हो जाए तो आप बआसानी इस तरह से पाइपिंग लगा के छोटे कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी मैं जो जोड़ होगा पैनल्स के वो भी मैं एक एक आपको दिखाती जाऊंगी। ये देखिए, मैं बैक का पीस बिल्कुल फिक्स नाप के जो उसके साइज है उसी साइज का मैं काट चुकी हूँ। आप स्लिप्स काटूंगी, ये स्लिप्स का कपड़ा है, ये 30 इंच के कपड़ा है। मैं इस तरफ से इसकी स्लिप्स काटूंगी क्योंकि ये जो साइड का कपड़ा है इसमें से बचाकर मुझे ये दामन में लगाना है। ये देखिए, मैं 2 इंच का प्लेन कपड़ा लूंगी इसलिए जो यहाँ पर बेल लगा दूंगी, इसमें से कपड़े असल में मुझे बचाना है दामन में लगाने के लिए। तो ये 20 इंच का इसके लेंथ है बाजू का, ये लेंथ पे एक निशान लगाए और
3.5 इंच नीचे एक निशान लगाया, क्योंकि इसके बगल 7 का था और इस तरह से इसके बगल तैयार होगा 7.5 पे, तो इस तरह से आप निशान लगाएं। ठीक है, निशान दिख नहीं रहा, ये इसके 3.5 के निशान और ये है इसके 7.5 के बगल। ये ऊपर से 1.5 इंच आप सीधा काटें, इसमें आस्तीन में कोई लाइनिंग नहीं लगेगी, इसलिए मैंने लाइनिंग का कपड़ा कोई काटा ही नहीं। ठीक है, ये फ्रंट के पीस काटा और बैक वही इस जगह से 0.5 इंच बढ़ाकर इस तरह से बैक का कटिंग। ये इसके 3.5 इंच की फिटिंग टीच बटन वाली बाजू बनेगा। ये 3.5 पे मैं निशान लगा रही हूँ और मैं बाहर से इसके कटिंग सिलाई के वो निशान, हमेशा निशान सिलाई के जगह पर लगाती हूँ और ये है इसके कटाई। और ये जो टीच बटन की कट होता है वो 3.5 इंच होते हैं, तो 3.5 पे एक मैं कट लगा रही हूँ, जो यहाँ से टीच बटन की खुलाई होगी। ये देखें, ये जो खड़ा कपड़ा है वो नीचे मैंने खींच के रखा हुआ है और ये रेब वाला कपड़ा ऊपर रखे हैं, और इसको नम देकर इस तरह से पकड़ के सिलाई चलाएं ताकि ये आराम से बराबर आए। एंड में आके ये नीचे वाली ये बराबर आए। ये देखिए, ये मेरा फ्रंट के साइड है, ये बैक है। बैक के साइड में ये कपड़ा मैंने रखा और जोड़ लगाया। जोड़ लगने के बाद ये टर्न कर रही हूँ, टर्न करके ये टर्न किया और देखिए इसमें मैं ये बेल लगा रही हूँ। ये बेल जो आपको दिखाया था मैंने घेर में लगाने वाला रही पट्टी जो घेर में लगाऊंगी, ये जब इस तरह से लगा रही हूँ तो ये देखिए कपड़ा नीचे वाला थोड़ा ऊपर आ रहा है, लेकिन ये बेल से ये छूट जाती है। ये कड़क होने की वजह से ये जब ऊपर लाएंगी तभी ये सफाई से आ रही है, तो मैं इस तरह से लेकर ये लगा रही हूँ और दूसरा बेल में इस तरफ लगाऊंगी। ये जो फ्रॉक के घेर है वो है। ये देखिए, मेरे बॉर्डर जो है ना तैयार है, ऊपर नीचे की बेल लगाकर ये घेर मैंने पूरा तैयार कर चुकी हूँ इस तरह से। अब मैं आप लोगों को बॉडी दिखाऊंगी, उसमें गला बनाना है। तो ये मेरा फ्रंट के पीस है, इस फ्रंट के पीस में पहले ये मैं लाइनिंग का कपड़ा ज्वाइंट कर चुकी हूँ पूरा बगल शोल्डर हर जगह से। सिलाई करने के बाद फिर मैं बकरम चिपकाया, जो गला छोटा करना था मैंने वो इस तरह से एक बकरम में डायरेक्ट चिपका चुकी हूँ लाइनिंग की कपड़े के ऊपर। और उसके बाद इसमें सिलाई लगाया है, ये देखे आप इस जगह पे, ये कोना देखे आप, ये मैंने चौकोर सा जगह बनाया है 3-4 टंके का, जो मेरा 2 डोरी पाइपिंग आकर यहाँ पर बराबर होंगे। ये देखे इस तरफ से मैं दिखाऊं बिल्कुल यहाँ तक है, बिल्कुल इसकी कढ़ाई, ये जो कढ़ाई की हुई है बिल्कुल यहाँ तक ये पाइपिंग आएगा, और जब डोरी पाइपिंग हो जाएगी तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। और उसके बाद मैंने गला बनाना है, तो आपको मैं दिखा देती हूँ जो किस तरह से मैंने डोरी पाइपिंग, और अभी ये 0.5 इंच कपड़ा छोड़कर मैं कटिंग करूँगी। ये है 0.5 इंच कपड़ा छोड़कर कटिंग करूंगी और इसमें डोरी पाइपिंग लगाऊंगी। आप इस कोने को देखें, ये वाला कोना बकरम के ऊपर से मैंने सिलाई इसलिए लगाया था जो इस तरह से जब मैं कट लगाऊंगी तो ये कपड़ा खराब नहीं होगा। जब बकरम के ऊपर से सिलाई आते हैं तो ये रेशमी कपड़ा खराब नहीं होता, ये कोने में इसी तरह दोनों तरफ से कट लगती है। ये चौकोर का हिस्सा, ये दोनों तरफ से इस तरह से कट लगती है। उसके बाद मैं डोरी पाइपिंग लगाऊंगी, ये एक साइड में से सीधे तरफ से रखकर। ये देखिए, मैं इस तरह से डोरी पाइपिंग लगा चुकी हूँ हाफ बूट के मदद से, और फिर इस तरह निकालने के बाद इस तरफ से मैं प्रेस मारने के बाद ये तरपाई करूँगी। और तरपाई करने के बाद मेरा जो गला बनेगा ऊपर से 3 इंच के गला बनेगा, 1 इंच के मुझे ओपन रखना है, तो समझ लो ऊपर से 4 इंच नीचे से मैं एक और कपड़ा लगाकर ये दोनों पाइपिंग को बराबर से जोड़ूंगी। हाफ बूट के मदद से आप जोड़े तो आपको दिखा ये आसानी से सफाई से बैठ जाएगी। वो एक कपड़ा होगा 3 इंच का, 3.5 इंच का जैसे, और फिर आप डबल करें उस कपड़े को और इस तरह से दोनों साइड में सिलाई लगा ले, एक साइड ओपन छोड़े इस तरह से, और किसी भी सख्त चीज़ों से मदद ले और ये सख्त चीज़ों की मदद से इस तरह इसको
टर्न कर लें। देखिए इस तरह से इसको सीधा करें, करने के बाद ये देखिए 4 इंच नीचे इस तरह से एक पल्ले में पहले रखें, रखने के बाद हाफ बूट से इसका सिलाई लगाएं। मेरा इस साइड के बूट है, पहले मैं ये वाला साइड लगाऊंगी और जगह बनाऊंगी। ये देखिए मैंने कपड़े से ये जोड़ चुकी हूँ। अब ये गला बनाना है मुझे इस पर। ब्रॉड गला गहराई 2.5 इंच था और इसका 8 इंच का गला है, लेकिन ये गला मेरा 8 इंच से भी ज़्यादा है, इसलिए जो मैं हाफ करूँगी और इस तरह से जब लगाऊँगी तो इस तरह टर्न करने के लिए मुझे कपड़ा चाहिए होगा। तो इस तरह से मैं ये फ्रंट के गला बिल्कुल सादा बनाऊँगी, गले में कोई पाइपिंग नहीं होगा। ये हाफ ऑफ कर कर ये इस तरह से ये बढ़ता हुआ चला जाएगा तो नीचे फोल्ड करने में और तरपाई करने में सफाई आ जाएगी। ये गला बना के बैक बना के स्लीव्स जोड़ के फिटिंग लगाने के बाद मैं आपको कमर कैसे अटैच करेंगे वो मैं दिखा दूँगी। ये देखें मैंने फिटिंग के सिलाई लगा चुकी हूँ और बॉडी में देखें मैंने दोनों साइड से आधा आधा इंच कटिंग की हुई हूँ, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है ये बॉडी, तो वह सिलाई करने के बाद बिल्कुल स्ट्रेट दिखेगा। और जो ये मेरा घेर था जो पैनल्स वाली, ये मैं लाइनिंग के साथ सिर्फ ये वाला जगह जोड़ी हुई हूँ, साइड से कोई पैनल्स नहीं जोड़ी हुई है। अलग से मैंने लाइनिंग बनाया, अलग से मैंने ऊपर वाली बनाया और दोनों को सिर्फ इस जगह से जोड़ दिया। अब मैं इसके साथ ये अटैच करूँगी। ये देखिए साइडों से मैं ये जगह भी छोड़े हुए हूँ जो बाद में अगर लूज करना चाहे तो कर सकते हैं। अब ये दोनों सीधा है तो इसके ऊपर से मैं ऐसे लूँगी और ये देखिए इस तरह से मैं ये फिटिंग और ये फिटिंग रख कर अब दोनों को एक साथ जोड़ लूँगी।